जीएन भारत देख रहे हैं आप। पंकज मिश्रा, पूजा सिंगल और प्रेम प्रकाश के बाद ईडी का अगला निशाना कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। राज्य में राजनीतिक भूचाल और संभावना के बीच यह सवाल उठता है कि ईडी का अगला निशाना कौन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। पहले कुछ माह से सक्रिय ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंगल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बाद सत्ता शीर्ष के एक अन्य करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ हो चुकी है और कोलकाता के एक कारोबारी अमित अग्रवाल की जाँच एजेंसी ने तलब किया है। खैर, जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार की पत्ते खुलती जाएंगी। जैसा कि हम आपको बताने वाले है कि ईडी का अगला निशाना कौन है, और यह जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा आपको यह रिपोर्ट, देखिए। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र और उनके साथियों पर भी 100 करोड़ के अवैध खनन का आरोप ईडी ने मढ़ा है। इसके तार भी मुख्यमंत्री आवास तक से जुड़ते दिख रहे हैं। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जाँच अब अवैध खनन, नौकरशाही के स्थानांतरण में पैसों के लेन देन सहित टेंडरों के प्रबंधन तक पहुँच गयी है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू से भी कई दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में अब राज्य की नौकरशाही और राजनेताओं के सबसे बड़े चहेते प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी से तमाम बड़े भ्रष्टाचारी अंदर तक हिल गए हैं। जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अमित अग्रवाल को भी तलब कर चुकी है। इन पर झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अमित अग्रवाल ने ही हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में नकदी देते हुए गिरफ्तार करवाया है। उनका दावा है कि अधिवक्ता उनसे एक पीआईएल से नाम हटाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही अधिवक्ता है जो हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर उस याचिका की पैरवी कर रहे थे, जिसमें सोरेन परिवार पर शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।